कार मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स ट्रेज हम हमेशा कुछ अलग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और आज भी आपको मिलाने वाले हैं एक चर्चित समाज सेवक से जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर समाज सेवा का जो रास्ता था वो चुना उसके बाद उन्होंने कैंट क्षेत्र की जनता का मन भी जीता हमारे साथ आज बातचीत में होंगे राजू जी जो लगातार बहुजन समाज पार्टी से आम जन की सेवा करते आ रहे हैं उसके साथ साथ उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ी आम जन की समस्याओं को देखते हुए आने वाले पर्व होली है उसके साथ साथ निकाय चुनाव है देखते हैं कि क्षेत्र में आज भी किस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं राजू जी आज जो क्षेत्र है आपका कैंट वार्ड नंबर छः किस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं जिसके लिए लगातार आप काम कर बात यह है कि हमारा जो वार्ड नंबर छः है कम से कम नहीं तो 2015 में चुनाव हुआ था उसके बाद चुनाव नहीं हुआ तीन साल ओवर समय हो गया और चुनाव नहीं हो पाया जनता की दयनीय स्थिति है और जनता वहाँ की वार्ड नंबर छः की जनता बहुत परेशान है जनता को हमारे वोटर को चाहिए क्या उसको सिर्फ चाहिए कि नाली खरंजा साफ़ सफाई और इसके अलावा उसको चाहिए क्या वो सुचारू रूप से मिल नहीं पा रहा है वो चाहे हमारे पूर्व के जीते हुए पार्षद द्वारा हो चाहे वो हमारे प्रशासन के द्वारा हो या शासन के द्वारा किसी के द्वारा उस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा है इसीलिए मैं अब अपना मन बनाया हूँ क्योंकि नौ साल सात महीने की नौकरी मैंने कैंटोमेंट बोर्ड से छोड़ करके और कैंटोमेंट बोर्ड का जो वार्ड नंबर छः है उस जनता की सेवा करना चाहता हूँ इसी के लिए मैं अपनी तरफ से वार्ड नंबर छः की जनता को मैं हार्दिक बधाई होली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ सर क्या लगता है क्योंकि कंटोमेंट बोर्ड है और शायद आठ छः छः आठ वार्ड है टोटल आठ वार्ड है तो किससे मुकाबला देख रहे हैं अपने आपका अभी तो मैं मुकाबला किसी का नहीं देख रहा हूँ मैं पहली मरतबा चुनाव के क्षेत्र में आया हूँ मानिया बहन जी का आदेश लेकर के आशीर्वाद लेकर के और अभी चुनाव तो अभी बड़ा ज़्यादा समय है तीस मार्च को लोगों का नामिनेसन है और तीस अप्रैल को अकाउंटिंग है इसके बाद में इस तीस मार्च के पहले ही पहले सब आप लोग के आशीर्वाद से क्लियर हो जाएगा कि कौन हमारी फाइट में है कौन हमारी लड़ाई में अच्छा सर समस्या बड़ी क्या है जिसके लिए जीतने के बाद पहला कदम समस्या ये है कि के हमारे कैंट लखनऊ के अंदर क्या सत्तावन कैंटोमेंट बोर्ड हिंदुस्तान हंदु, में है सत्तावन कैंटोनमेंट बोर्डों में जो निजीकरण चल रहा है ये निजीकरण जो सफाई से ले करके के और थ्री क्लास से फोर क्लास से लेकर थ्री क्लास तक के जो निजीकरण चल रहा है ये घोर अंधेर है इसको नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरियां जब होती हैं तो सरकारी एम्प्लाई वो काम करता है क्षेत्र में प्राइवेट आदमी बेचारा उसको बारह हज़ार चौदह हज़ार तनख्वाह मिलनी चाहिए पाँच हज़ार छः हज़ार रुपये में लोगों को काम करा रहे हैं और उससे नौकरी करा करके सफाई काम करा करके उसको घर भेज देते हैं छः हज़ार रुपये देते हैं वो छः हज़ार से उसका क्या पालन पोषण परिवार का हो पाएगा कभी नहीं हो सकता है मैं यही चाहता हूँ कि अब की नई कार्यकारिणी जितने भी पार्षद छवनी परिषद में जीत के जाएंगे लखनऊ में वो सबसे पहले हम लोग मुद्दा उठाने का काम हम लोग ये करेंगे कि जो छवनी परिषद के अंदर निजीकरण चल रहा है उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे करने के लिए तो ये थे हमारे साथ राजूदास जी जो कैंट जो वार्ड नंबर छः है वहाँ से एक भावी दावेदार भी हैं और उन्होंने बताया कि आज भी कंटोमेंट बोर्ड की जो बड़ी समस्याएं हैं निजीकरण है जिसके लिए वो पहल भी करेंगे और आम जन के सहयोग के लिए उन्होंने एक अपील की कि होली को बड़े धूमधाम और सौरहद भाईचारे के साथ मनाया जाए